नमस्कार दोस्तों, आप देखिए हमारे पीछे जो है ये सऊदी रियाद का स्कूल है और जो है कि यहाँ पे बच्चे सब पढ़ने आ रहे हैं। एक हफ्ते से ऊपर हो गए यहाँ पे स्कूल खुले हुए। यहाँ के गवर्नमेंट ने यहाँ के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया है, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। अपने यहाँ भी चाहिए इंडिया में कि गवर्नमेंट भी स्कूल खोले और बच्चे पढ़े आए, पढ़ेंगे तभी तो मानिए शिक्षा आगे बढ़ेगी। इतना लंबा स्कूल बंद होने की वजह से समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विचार आप लोग करिए और सोचिए। स्कूल जरूरी है कि नहीं है बच्चों के लिए, उसका नियम बनाए सरकार, प्रोटोकॉल बनाए कि बच्चे आए पढ़ें। मान लीजिए शिक्षा समाज में बढ़ेगी तो दिक्कत भी होगा और शिक्षा का प्रभाव भी पड़ रहा है समाज पे लोगों को, इस पे सरकार को ध्यान जरूर देना चाहिए। सारे बच्चे देखिए बस से आ रहे हैं, बस जा रही है, गाड़ी से आ रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, क्योंकि एक बच्ची उधर जा रही है, इसके पिता लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं स्कूल है। सब लोग गाड़ी अपनी खड़ी किए हैं, टीचर आए हैं, देखिए बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। हमारे यहाँ स्कूल में कोई सुविधा नहीं। सऊदी रियाद में सारे स्कूल खुल गए लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में सारे के सारे स्कूल बंद हैं। इधर देखिए वो भी स्कूल खुल गया, इधर मैडम आ रही हैं जा रही हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ सब स्कूल बंद है, छोटे छोटे बच्चों तक का स्कूल खुल गया। इंडिया में भी सरकार को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कोई नियम लगाए, बच्चों का स्कूल चालू कराए। ज़्यादा दिन बच्चे बैठेंगे घर पे रूम पे तो उससे अच्छाई फैलेगा, दुराचार ही फैलेगा, उससे समाज में अच्छाई नहीं फैलेगी। सरकार को इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए।